हेलो एवरीवन, मेरे ग्रीन लाइव में आपका मोस्ट वेलकम। और जो आज की वीडियो है, ये कॉलेज प्लांट पर है, तो मैं इसकी पूरी जानकारी भी देने वाली हूँ आपको। और मेरे कुछ तो बहुत अच्छे खड़े हुए हैं बारिश में, और कुछ मेरे नुकसान हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कौन कौन से कॉलेज का मेरा नुकसान हुआ है। और एक कॉलेज का मेरा इधर भी रखा है, कितनी खूबसूरत पत्तियाँ हैं, बहुत सारे कलर हैं मेरे पास और सारे बहुत खूबसूरत से हैं। तो ये देखो, एक कॉर्नर सा दिया है इसको रेलिंग का, तो ये उसी हिसाब से अपने इसने सेप ले लिए कॉर्नर की। ये जैसे हम रख देते ये सेप ही वैसे ही बना लेते। ये बड़े सुंदर प्लांट होते हैं पत्तियों वाले, देखो कलरफुल पत्तियाँ। आज काफ़ी तेज बारिश है, तो उसमें देखिए मेरा क्या नुकसान हुआ है। देखो ये कॉलेज है और बहुत ही खूबसूरत कॉलेज था, ये कुछ पिंक था, कोई वाइट था, ये ग्रीन था, बहुत सुंदर पत्तियाँ थी इसकी। ये देखो कलरफुल, कई सारे कलर हैं इसमें, और सबकी ये देखो पत्तियाँ ये सबकी कट पड़ गई बारिश की वजह से, मोटी बारिश। और ये सीढ़ियों में रखा है, तब भी सीढ़ी में भी मोटी बारिश आ गई हवा के साथ। तो ये देखिए सारी पत्तियाँ, एक भी पत्ती नहीं बची। ये देखिए कितना बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत ही खूबसूरत था, तो सबकी ये पत्तियाँ कट पड़ गई। तो ये भी एक नुकसान ही है, देखो एक भी नहीं बची, इनकी पत्तियाँ सभी फट गई हैं देखो। और एक इधर भी, और एक इधर भी रखा है देखो, ये सारा ऐसे मुड़ गया, इतना सुंदर लगता है खूबसूरत। और ये पूरा ये बारिश से मुड़ गया, इसकी पत्ती का तो नुकसान नहीं हो, क्योंकि ये तो कटिंग वाली पत्ती है, इन पर कोई असर नहीं पड़ा, ये तो खुद कटिंग वाली है, तो ये तो नहीं फटी, तो ये तो ठीक है। मगर हाँ, ये ज़्यादा बारिश से इनकी जो स्टेम है ये थोड़ी सी ये मुड़ गई है इस तरह से, तो ये भी एक नुकसान है। इनको भी मैं यहाँ से जहाँ से मुड़ गई है ये, तो ये कटिंग करके मैं लगा दूँगी इनको जहाँ से ये मुड़ी हुई है। और ये देखो एक ये वाला भी है, ये भी ऐसी बारिश में, ज़्यादा तेज़ बारिश में, और ये भी मुड़ गया। देखो ये भी ऐसे मुड़ गया, ये थोड़ा लैगी सा हो गया था, तो ये देखो कितना किस तरह से मुड़ गया है बारिश से। और ये तो हाँ टूट ही गया था इसका, ये इस टाइम यहाँ से ये टूट गया, तो यहाँ से टूट गया, बारिश की वजह से ही टूट गया, तो मैंने फिर इसको यहाँ कटिंग इसकी ये लगा दी। तो ये भी देखो एक नुकसान ही है ना, बहुत सुंदर प्लांट था ये मेरा, तो इसका भी नुकसान हुआ मुझे, बड़ा खूबसूरत लगता है इसकी पत्तियाँ वगैरह ना। और एक मेरा ऊपर इसका नुकसान नहीं हो, देखा ये तो ऐसे ही स्टेट खड़ा हुआ है, तो ये हमारे या तो स्टेम भी लंबी लंबी होती है, मगर इसमें तो स्टेम भी बहुत बड़ी लंबी नहीं थी, ये तो प्लांट अच्छा था। इनके पत्तियों पे भी होगा, ये हो सकता है ठीक है इसकी पत्तियाँ, और जिनकी सॉफ्ट पत्तियाँ हैं तो उनकी पत्तियाँ वो पूरी फट गई, ये थोड़ी सी ठीक है, तो ये अच्छी है। ये देखो ये वैसे ही खड़ा हुआ है कितना, और ये तो देखिए बारिश से ये तो खूबसूरत तो बन गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है इसकी लिप्स वगैरह। और इसकी भी देखो ये थोड़े ठीक है, तो इनकी ये देखो एक इधर रखा है, तो इन पर बहुत तेज़ बारिश नहीं पड़ी, वैसे ये भी अभी गीले हो रहे हैं इस समय, तो ये भी कितने खूबसूरत कॉलेज हैं मेरे। और अभी और भी, और ये देखिए ये तो मेरा बच गया, और अभी बहुत तेज़ बारिश है, और ये काफ़ी ये बड़ा बड़ा लगी भी हो गया बारिश से, देखो बड़े बड़े तो काफ़ी हो गए। और इनको भी मैं कटिंग से लगाने वाली हूँ दोबारा, ये कितना खूबसूरत लगता है, देखो इसका कलर बहुत सुंदर लगता है ये। और मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी भी देने वाली हूँ, और मैंने जो अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाई थी कॉलेज पर, तो वो मेरे पास पड़ी हुई है, मैं उसको भी इसी में डाल दूँगी। इतने प्यारे प्यारे नेचर ने कितने खूबसूरत कलर भरे हैं इनमें, ये देखो कितना प्यारा सा, कि ये फूल से भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और इसी का देखो, ये मैंने इसी से कटिंग ली थी, तो और ये देखो ये कितने बड़े प्लांट बन जाते हैं, इसमें जितना कटिंग करोगे उतना ही प्लांट अच्छे तैयार हो जाते हैं, काफ़ी सारे फ्री में प्लांट तैयार हो जाते हैं हमारे। और यदि हम बारिश में नहीं रखना, अगर बारिश में रखोगे तो इस तरह छेद हो जाएगा, ये मैंने बरामदे में रखा था, तो ये इस पर बारिश आई होगी हवा से, तो इसमें देखो छेद हो गए, तो इसलिए ये तो इसकी लीफ का ही, ये जो लीफ होती है इसी की सो होती है, तो इसको बारिश में नहीं रखना है। ये देखो धूप में रख सकते हैं, तो धूप से क्या होता है उसमें छोटी पत्तियाँ निकलती हैं और कलर भी इतने खूबसूरत नहीं होते, तो इसको पूरी ही छाया दे तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखो कलर कितने प्यारे प्यारे हैं, बहुत ही खूबसूरत से है, ये अलग अलग कलर हैं। और मैंने बस इनको जब लगाया था
तो इसमें गार्डन सोल 50% 50% कंपोज यही दिया था, तो उसी से देखो कैसे चल रहे हैं। और इनको 1 महीने में मैं इनको कोई भी कंपोज दे देती हूँ, जैसे गार्डन वो कंपोज काउडंग काउडंग या कोई भी, ये देखो जो भी किचन वेस्ट है वो भी दे सकते हैं। ये भी कितने खूबसूरत है, और ये देखो ये कटिंग से भी बड़ी जल्दी तैयार हो जाते हैं इजीली। तो इनको देखो कलर ये अलग है, ये बिल्कुल एकदम अलग है। तो मेरे पास ये 9 कलर हैं, कटिंग से भी बहुत जल्दी तेज़ी से ग्रो होते हैं। अभी भी इनकी कटिंग हम लगा सकते हैं, ये तो गर्मी में भी लगा दो तब भी चल जाएगी, लेकिन उसको वो छाया में रखना है कटिंग को। तो मैंने अभी फ़िलहाल में लगाई है, क्योंकि मेरा प्लांट क्या हुआ, एक टूट गया था उसके ऊपर एक गमला गिर गया था। तो ये देखो अलग है और ये बिल्कुल अलग है। और फूल मैं दिखाती हूँ इनके कैसे होते हैं, वो मैंने तोड़ दिया शायद, ये वाला देखो ये मैंने अभी तोड़ दिया। इस तरह के फूल होते हैं, तो इनके फूल इतने खूबसूरत नहीं होते जितनी इनकी पत्तियाँ खूबसूरत होती है। इनमें इतने कलर होते हैं, तो ये अपनी जो है पत्तियों के कलर से ही खूबसूरती बिखेरते हैं ये। और ये जो मैंने अभी वीडियो दिखाई है ये कुछ दिन पुरानी है, अभी कोई 1 सप्ताह पुरानी है, तो मैंने ये शूट की थी। और मैं भी देखी, ये मेरे पास ये कलर नहीं था, पहले था और फिर इशू हो गया। तो ये देखिए एक कलर ये भी नहीं था मेरे पास, ये भी मैंने बढ़ा लिया है, अब मेरे पास बहुत सारे कलर हो गए। और आपको मेरी वीडियो जैसी भी लगे लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।